हेलो दोस्तों, सीधे चलते हैं मुद्दे पे कि बाजार किस प्रकार से चलने वाला है। देखिए, ये सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे निकालते हैं। गारंटी किसी को नहीं पता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी प्रोबेबिलिटी निकाल सके। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से अक्टूबर में हमारे इधर फेस्टिव सीजन आने वाला है, उसी प्रकार से अक्टूबर में यूएस में भी आने वाला है, तो कंजम्पशन डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होती है मैक्रोज की बात। अब मैक्रोज में अगर एक चीज देखें तो पॉजिटिव साइड में हमारे पास क्या है? पॉजिटिव साइड में हमारे पास ये है दैट जो हमारे ग्लोबल मार्केट्स है वो बता रहे हैं कि जो मेटल्स हो गए उसमें एक ईज ऑफ दिख रहा है। इसका मतलब वहां पर थोड़ा सा दाम सही साठ आते जा रहे हुए दिख रहे हैं। और वहीं पे डॉलर इंडेक्स ऑल्दो अभी थोड़े से अपर टेरिटरी में है, लेकिन हल्का फुल्का कूल ऑफ वहां पर भी देखा गया है। तो ये दो कुछ पॉजिटिव्स हैं। हल्के फुल्का क्रूड भी नीचे आया हुआ है, ऑल्दो वापस थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन एक 100 का जो वो लेवल था उससे तो नीचे आया हुआ है। तो ये थोड़े से पॉजिटिव चीज है। लेकिन नेगेटिव क्या है कि ग्लोबल इंडाइसेस में अभी भी आपको सेल ऑफ दिख रहा है। आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि अगर डाउ की बात करें तो कि अमेरिकन बाजार है, तो वहां पर जो उनका फेब्रुअरी 2020 का हाई था, जो कि करीब करीब 29,600 था, उसको ब्रीच कर चुका है सितंबर 2022 में। इसका मतलब ये है कि हम प्री कोविड हाईस को से जो गिरने वाली बात थी, वहां से हम नीचे आ चुके हैं यहां पर, और वो भी बड़े बड़े कैंडल्स के साथ। तो यूएस में तो परेशानी है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में क्या करना है, अब सीधे देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट बार बार यहां पर इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, 17,100, 17,180, 17,180, और उसके बाद एक हुआ तड़ाक से गैप डाउन, और यहां पर आ गया तड़ाक से यहां पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब निफ्टी ऊपर गया था तो वो एक बैक टू बैक गैप्स करके गया था ऊपर। आप यहां पर देख सकते हैं 16,500 के बाद सीधे 16,700 खुला था, 16,700 के बाद सीधे खुला था 17,000। तो पहली बात जो लोग बोल रहे हैं कि भैया ये गैप करके नीचे क्यों आ रहा है, इस पर आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर देखें तो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। 17,016.3 पे यहां पर निफ्टी, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इसी तरफ है। बाय द वे, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट, जो कि फ्रीली पेड सारे फीचर्स अवेलेबल है ऑन धन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, जहां जो भी उससे लिंक खुलेगा और उसके बाद रूल्स वहां के फॉलो करेगा, उसको फ्री बेसिक वाला जो मेरा सेशन है उसका वहां पर उसको एंट्री मिलेगा। तो आपको ये चीज एक दिख गई कि यहां पर एक सपोर्ट है। तो पहली पॉसिबिलिटी आज के लिए, देखिए कल क्या होगा परसों क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, तो हम आज का हमको क्या देखना चाहिए हम उसकी बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चीज देखेंगे कि अगर ये वाला जो लेवल है 17,000 वाला लेवल, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, जो कि मेरे को लगता है करना चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से यहां पर एक हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बाय इंट्राडे बेसिस पे बनाया जा सकता है। सबसे पहली चीज वो है। स्कैल्पर्स के लिए तो फटाफट घुसना फटाफट एग्जिट करना है, लेकिन आप इस लेवल का ध्यान रखिए, आप इसको अपने चार्ट्स पे भी मार्क कर दीजिए। दूसरी चीज, अगर ये गैप डाउन खुलता है, लेट्स से इसके नीचे खुलता है, तो हम वेट करेंगे कि ये इस लेवल को किस तरह से रीटेस्ट करता है। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए ये इस लेवल के ऊपर ही खुल जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, 17,200 के ऊपर नहीं खुलने वाला है, बट मान लीजिए अगर ये टाइम पास करते 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 आज का क्लोज इसके ऊपर दे देता है, तो आपको अब सोचना है थोड़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल के हिसाब से। इंस्टीट्यूशनल लेवल के हिसाब से आप कैसे सोचोगे? सबसे पहले इंस्टीट्यूशन क्या करती है, अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करती है अभी तक, ठीक है, तो आप ये लाइक करो। दूसरी चीज क्या करती है, दूसरी चीज वो ये देखेगी कि अगर ये 17,200 17,200 के ऊपर अगर एक डिसेंट क्लोजिंग आ जाती है, तो हमारा एक्सपायरी आने वाला है थर्सडे को, हमारा मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली मंथली सारे एक्सपायरीज एक ही साथ है। तो ये जो पूरे मंथ में सेलिंग हुई है, लिसन केयरफुली, पूरे मंथ में सेलिंग हुई है, अगर ग्लोबल ट्रिगर अचानक से पॉजिटिव होता है, याद रखिए हम कॉन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ग्लोबल ट्रिगर पॉजिटिव हो जाते, क्रूड नीचे रहता है, डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक रहता है, और मेटल यहाँ पर वो रहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी तगड़ी वाली कवरिंग विच कैन मूव टिल 17,300 17,400। अब जाहिर सी बात है, अगर ये 17,200 17,300 नहीं गया, तो आप में से काफी सारे लोग ट्रोल करोगे। तो हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, आपको प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से देखना है, मार्केट में कोई गारंटी नहीं रहती है। दूसरी चीज अगर आप देखते हो, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा जो क्रूड डाउन है, ये थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है रिलायंस को, और वो रिलायंस वहां पर इस चीज को हिला सकती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रही है। अगेन धन पे बहुत ही प्यारे तरीके से ऑप्शन डेटा होते हैं, तो हम एडवांस ऑप्शन चेन के डेटा पे चले जाते हैं। और बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई फेवरेट स्टॉक मैं यहां पर कवर करूं, तो उस स्टॉक का नाम नीचे लिख दीजिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक और चीज, ऑप्शन बायर प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन बायर्स, ये जो आईवी था ना, ये 15-16 बहुत सारी टाइम पे ये आईवीज धीरे धीरे करके बड़ा था, और वो थोड़ा ईज ऑफ होना जब शुरू होगा ना, तो प्रीमियम्स घटेंगे। तो ऑप्शन बायर्स अब सही हो गए तो भी आपके ऑप्शन प्रीमियम्स घटेंगे। मैंने देखा है काफी सारे लोग कॉल्स लेके दूर के बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़े ट्रबल पे हो गए। अगर आपको कॉल्स लेने ही है तो थोड़े से इन द मनी आ जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से आपके ऑप्शन क्लोज घूमेंगे वहां पर। अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए। तो यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि 17,000 का पुट
पुट 17,000 के पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट की राइटिंग है, दैट है 17,000 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ पे अगर मैं जाता हूं तो वो वहां पर मेरे को दिख रहा है कि 17,000 पे ही सबसे ज्यादा बेटल है, और उसके बाद 17,100 के आसपास थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट है। तो आपको समझना है कि एक रेंज अभी फिलहाल बना के चलिए। पीसीआर भी काफी कंफर्टेबल है 0.58, विच इज नॉट रियली बैड। ये सारी चीजें मैं अपने वेबिनार्स पे भी बताने वाला हूँ जो कि अक्टूबर में होने वाला है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि जब तक हमारा क्लोजिंग 17,000 के नीचे नहीं होता हमको पैनिक नहीं होना है। अच्छा, अब अगर आप बोलते हो कि हमारी क्लोजिंग अगर 16,900 के आसपास दो तीन सेशन में हो जाती है तो मैं आपको एग्रेसिव लॉन्ग्स लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक स्टॉक की, और वो स्टॉक की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे एक सदस्य ने पूछा था। याद रखिए कमेंट्स पे आप जिस तरह की चीजें पूछते हैं हम उसी का आंसर देंगे। किसी ने बहुत बार पूछा था टाटा मोटर्स बताइए, आपको जो स्टॉक चाहिए आप उस हिसाब से बताइए। अब टाटा मोटर्स पे पहली चीज में ही है जहां पर देख रहा हूं, पहले तो मैं आपको मार्किंग दिखा देता हूं। यहां पे टाटा मोटर्स पे आप ये वाला रेंज देखिए, कहीं ना कहीं इस रेंज पे इसका सपोर्ट है 370-375, बिकॉज यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, और अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक गैप डाउन होता जा गैप डाउन होकर ब्रेक डाउन हो गया। चार्ट ट्रेंड वाइज अगर देखेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है गाइस, यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की ये है। अगर आपको याद आया होगा ना, कुछ मंथ्स पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने एक चीज़ कही थी, हर कोई ईवी 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 करके टाटा मोटर्स पर कूद रहा है, बट आपको ये नहीं लगता कि ईवी का फायदा केवल ऑटोमोबाइल्स पर नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑटोमोबाइल तो साइक्लिकल होता है, उससे बेटर है बैटरीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो कि अच्छे रीजनेबल प्राइस पे काफी महीनों से मिल रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं काइंड ऑफ डबल या ट्रिपल टॉप टाइप का बना के, बार बार टॉप बना के इसने यहां पर करेक्शन दिया, उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। तो मेरे प्यारे दोस्त जो इसको होल्ड कर रहा है, 400 का साइकोलॉजिकल लेवल भी थोड़ा हुआ है, अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो 370-375 इज अ बेटर एंट्री अगर आपको एंटर करना है। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो कायदे से तो आपको पहले एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टिल इसको होल्ड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस अगेन 375 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, 373-375 के बेसिस पे। अब जब इतना आपने होल्ड किया, अगर कैश में तो आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास फ्यूचर्स में है तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि यहां पर भी आपको एक हल्का फुल्का सपोर्ट दिख सकता है। हम इसको थोड़ा सा आवरली पे जाके देखेंगे, सो लेट्स सी। इधर एक इसका एक कंसोलिडेशन एरिया था जिसको इसने तोड़ के थोड़े टाइम ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर तड़ 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 नीचे आया। तो दोस्त एक सिंपल सा, अगर आपके पास फ्यूचर्स में है तो अगेन इसी लेवल के लो को अराउंड 393-392 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर आपको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखेगा करीब करीब 410-420 के बीच में, तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। मैं इस पर बहुत एग्रेसिव बाय तो नहीं बोलूंगा, बट स्मॉल बाय आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि अगर आपको क्विक अपडेट्स चाहिए मुझे इसका इंडिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।